देश में इन दिनों बुलडोजर का एक्शन सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर चला तो दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर का असर नजर आया। इन सबके बीच अब राजस्थान में भी विकास के नाम पर बुलडोजर चलने लगा, लेकिन यहाँ माफियाओं और अवैध निर्माणों की जगह रास्तों को चौड़ा करने के लिए मंदिरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जैसे ही राजस्थान के अलवर में बुलडोजर चलाया गया तो सियासत तेज हो गई। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई, लेकिन बीजेपी पर तीखे वार करने वाले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए लिखा कि राजस्थान के राजगढ़ में एक प्राचीन मंदिर को गिराने का बीजेपी शासित नगरपालिका बोर्ड का निंदनीय फैसला है। हम सभी धर्मों के लिए धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और ये एक गंभीर उल्लंघन है। उम्मीद है कि सभी पूजा स्थलों पर हमले के लिए बीजेपी RSS माफी मांगेंगे। अलवर में 3 मंदिरों को गिराने का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पर निशाना साधा है। अलवर के सराय मोहल्ला में मौजूद करीब 300 साल पुराने मंदिर को गिराए जाने पर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस से पूछा कि क्या यही सेक्युलरिज्म है। बता दें कि इससे पहले भी बीते दिनों राज्य की गहलोत सरकार ने सुजानगढ़ स्थित राम दरबार पर भी बुलडोजर चलाया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था और जमकर बवाल भी हुआ था। और अब अलवर के मुद्दों पर सियासी बवाल हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या जवाब आता है।